अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग अभी ये शॉप पर हैं, फर्नीचर की शॉप पर गए थे, घर के लिए लेने थे सोफ़े और डाइनिंग टेबल। तो ये वाले सोफ़े जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले सोफ़े हम लोग लेके आए हैं। और ये सामने डाइनिंग टेबल है, इसकी फिनिशिंग कर रहे हैं ये लोग। तो फिनिशिंग करते हैं, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। तो जैसे फिनिशिंग इसकी कम्प्लीट होती है तो फिर घर पर लेके जाएंगे। ये बच्चा इसकी फिनिशिंग कर रहा है और बहुत प्यारा इनके पास फर्नीचर है, बहुत ज़बरदस्त सारी चीज़ें हैं। तो इनकी शॉप है मंजूर कॉलोनी में, न्यू होम टेस्ट इंटीरियर। और अगर आप लोग विज़िट करना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं। और बहुत ज़बरदस्त इनके पास हर चीज़ है। और ये वाला टेबल लिया था, घर पर जाके आप सबको मैं सारी चीज़ें दिखाऊँगी। तो रास्ते की हम लोग नहीं बना सके क्योंकि बहुत सारी शॉप्स पे गए थे और ज़ाहिर है जब इस तरह की चीज़ें लेनी होती है तो एकदम से तो रेडी नहीं हो जाता बंदा तैयार। और अभी ये घर पे हम लोग आ चुके हैं और घर पे ये सारे ड्राइंग रूम में सोफ़े लगा दिए हैं। और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सोफ़े कैसे लगे। तो अभी फैब में मेरी हम लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो ये एडवांस में मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया है डाइनिंग टेबल का और सोफ़ों का, मुझे बहुत अच्छा लगा है। सोफे हैं और दिखाती हूँ आपको मैं, ये वाला टेबल है, बहुत प्यारा है टेबल भी। ज़रूर आप लोग बताएं कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे लगी और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और नए आने वाले फ़र्स्ट टाइम जो मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो ये 7 सीटर है सोफ़ा सेट और ये है डाइनिंग टेबल, ये देखें। तो ये 6 चेयर वाला है डाइनिंग टेबल और पूरा इसका ऊपर का ये जो है ग्लास का है और नीचे भी है, इसका डबल है, ये डबल शेड में है। सब लोग बैठे हुए हैं और ये देखिए नीचे भी इसके स्पेस है इसकी। और भी ये पहले से ऑलरेडी घर पे ये रखा हुआ था इसकी शीट, तो मैंने कहा चलें ये भी बिछा देती हूँ इसके ऊपर। अब इसकी और चीज़ें लेके आऊँगी इसकी टेबल पे रखने के लिए आहिस्ता आहिस्ता। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा और सोफ़े और डाइनिंग टेबल भी आपको पसंद आए होंगे। तो चलें मिलते हैं अगली रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।